हाय दोस्तों, मैं सूरज मंडल, आप देख रहे हैं टेक्निकल सूरज। दोस्तों आज आप लोगों को आईफोन 12 मिनी इसके जो वीडियो है, जो कैमरा है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स दिखाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटे को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बता दो, इस फोन के बारे में मैंने दो वीडियो पहले से किया है, एक गेमिंग टेस्ट का, एक बैटरी टेस्ट का, मतलब पूरा चार्ज देने के बाद, फुल चार्ज होने के बाद ये कितना टाइम लगता है पूरा चार्ज खत्म होने में। तो दो वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हैं। फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, अगर आपका हाथ छोटा है तो आपको बहुत पसंद आएगा ये मोबाइल। मुझे पर्सनली ये फ़ोन बहुत पसंद है। अगर ब्राइटनेस देखेंगे आप बाहर, देखें देखिए, मैं आउटडोर पर अभी बाहर हूँ, मतलब बहुत धूप है, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे मैंने इसको फुल किया तो आप क्लियर देख पाएंगे, जो भी आपसे जो कुछ भी है आप धूप में क्लियर देख पाएंगे, आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। आपको देखिए क्या क्या मिलता है, आपको पहले टाइम लैप्स मिल जाता है, उसके बाद आपको स्लो मोशन मिल जाता है, और जो है वीडियो आपको मिल जाता है। यहाँ पे वीडियो आपको 4K में मिलेगा 60 FPS में, और HD मिलेगा आपको 60 और 30 दोनों में ही आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे HD और 4K आपको 60 FPS पे मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू करूँगा मैं पैनो वीडियो से। तो देखिए यहाँ पे मैं पैनो ऑन करता हूँ, इस तरीके से ऑन करने के बाद ये देखिए मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ, देखिए आप जब फोटो देखेंगे उसके बाद आप समझ पाएंगे कि इसमें डिटेल्स कितना है। तो देखिए वीडियो तो तैयार हो चुका है, अभी आपको मैं डिटेल्स दिखाता हूँ। वीडियो बारीक आएगा, बहुत ही पतला सा दिखेगा, लेकिन जब उसे जूम करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा, मतलब डिटेल्स बहुत ही बढ़िया इसमें दिखाई देगा आपको। ऐसा लगा आपको कि एक 20 MP कैमरा से आप जो क्लिक किया है, और मैं बाहर आउटडोर पर हूँ इसलिए देखिए इसमें छाँव आ रहा है थोड़ा, लेकिन आप फोटो देख लीजिए कितना अच्छा, कितना क्लियर, देखिए उतना बारीक सा फोटो जूम करने के बाद कितना क्लियर आ रहा है देखिए। तो दोस्तों ये तो हो गया एक पैनो का, उसके बाद आपको दूसरा दिखाता हूँ, तभी पोर्ट्रेट सेल्फी खींचेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए दो दिन में सेल्फी लूँगा पोर्ट्रेट में और आपको दिखाऊँगा इसमें। देखिए पोर्ट्रेट जो है, अगर आप देखेंगे, आपको फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए कितना क्लियर, देखिए मैं फर्स्ट टाइम इतना क्लियर देख रहा हूँ पोर्ट्रेट में। जो एज है ना, जो साइड का एज है, ये देखिए आप पूरा क्लियर। ये देखिए बाल का बीच में गैप देख लीजिए आप, और चेहरे का ये देखिए चेहरा देख लीजिए आप, पूरा रियल है पूरा, एक बारीक जो भी है ना चेहरे पे आपको दिखाई देगा, ये देखिए। और साइड का जो एज है ना, और जो ब्लर है पीछे का, जो ब्लर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट। इस फोन में मुझे नॉर्मल फोटो से पोर्ट्रेट फोटो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ये भी आप खुद देख लीजिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपको पोर्ट्रेट फोटो बहुत अच्छा लगेगा। अगर शौक है तो आपको जो है ना पोर्ट्रेट वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप ये बटन यूज करके यहाँ से देखिए पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वाइट भी आ जाएगा, आप यहाँ से जो है कुछ बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। दूसरा ये फोटो आपको दिखाऊँगा सामने से और पीछे से दोनों तरफ से फोटो दिखाऊँगा। तो देखिए नॉर्मल फोटो है 12 MP से, यहाँ पे आप फोटो देख लीजिए, फोटो अच्छा है, फोटो में भी कुछ कमी नहीं है। आप जितना टाइम देखें जूम करेंगे पीछे तो आपको डिटेल्स दिखाई देगा इसमें। 12 MP मतलब नहीं क्या आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सब कुछ आपको क्लियरिटी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आईफोन का 12 MP मतलब बहुत ही अच्छा है। ये देखिए दोस्तों आप खुद देख लीजिए कितना अच्छा है, कितना क्लियरिटी, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर एडिट करके मतलब थोड़ा कलर जो है ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो पहले का जो ब्राइटनेस है, अगर आप फोटो खींचने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा डार्क हो गया फोटो, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और फोटो को सेव कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम, मैं यूज़ करता हूँ ये वाला सिस्टम, मतलब ये वाला जो ब्राइटनेस का जो यहाँ पर दिया गया है ना, मैं इसे हमेशा यूज करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा आप एक बार यूज करके देखिएगा। दोस्तों अभी बैक कैमरा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए मैंगो आम है, आम का पेड़ है, तो यहाँ पर 2-3 फोटो खींच लेते पहले, और उसके बाद आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। अब देखिए डिटेल्स तो मुझे अच्छा लगे, क्योंकि मैं इसमें इसे बहुत टाइम से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे जूम करने के बाद आप देखिए आम, देखिए साइड का जो पत्ता है ना, आप पत्ते का डिटेल्स देखिए, ये आम देख लीजिए, आपको लगेगा नहीं, मतलब आप अगर आप किसी से सुना है कि कैमरा उतना अच्छा नहीं है, नहीं ये गलत है, आप खुद देख लीजिए। ये देखिए जो पत्ते का जो एक एक जो भी डिज़ाइन है, देखिए पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन ये एक प्रॉब्लम मुझे लगता है, ज़्यादा इस्तेमाल करने से फ़ोन थोड़ा हीट आपको लगेगा, अगर आप
बैक कवर यूज नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा गर्म लगेगा हाथ पे, क्योंकि मैं जब भी मोबाइल यूज़ करता हूँ 15 मिनट यूज करने के बाद 10 मिनट यूज करने के बाद ऑटोमेटिक थोड़ा गर्म लगता है मुझे, क्योंकि अभी मैं देखिए अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो ऑलरेडी 38 डिग्री है, तो मतलब फ़ोन तो थोड़ा हीट होने वाला ही है। दोस्तों एक नॉर्मल फोटो मैंने खींचा है, ये देखिए दूर से इस जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे कितना क्लैरिटी है कि नहीं है। ये देखिए पेड़ देख लीजिए दिखाई दे रहा है, ज़्यादा ज़्यादा जूम करने के बाद तो फोटो जो है ना वो तो फटता ही है, हर मोबाइल में फटता है, लेकिन ये 12 मेगापिक्सल कैमरा है। और देखिए दूर से मैंने इसको किया, देखिए रिकॉर्डिंग दूर से इसका फ़ोटो खींचा। तो दोस्तों ये फोटो था, अभी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो देखिए वीडियो शुरू करने के बाद इसका जो स्टेबिलिटी है ना बहुत ही बढ़िया है, मक्खन जैसा लगेगा आपको। मतलब जब मैं पबजी खेलता हूँ तो जब जायरोस्कोप ऑन होता है ना, जायरो जब ऑन रहता है तो उसमें भी ऐसा लगता है मक्खन जैसा, जायरो और ये वीडियो आपको दोनों सेम लगेगा, हिलेगा नहीं, आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मोबाइल एक बात वीडियो करने से, मैं 4K में वीडियो किया आधा घंटा लगभग, एक वीडियो में मैंने बनाया था, आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने चार्जिंग टाइम का वीडियो बनाया कि कितना टाइम ये मोबाइल चलता है। उसमें जब मैंने वीडियो बनाया था तो आधा घंटा मैंने इसमें लगभग वीडियो शुरू किया था, बहुत हीट हुआ था मोबाइल, बहुत 4K में किया था, बहुत हीट हुआ था मोबाइल। और देखिए ये देखिए स्टेबिलिटी देखिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और जो क्लैरिटी है वो आप देख रहे हैं। मेरा जब मैं जो फ़ोन से शूटिंग कर रहा हूँ यह है सैमसंग का F62 इसका जो, और 4K से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप वीडियो देख लीजिए, आप वीडियो देखेंगे वीडियो अच्छा लगेगा आपको, मुझे वीडियो पसंद है। लेकिन एक बात जो है मोबाइल हीट होता है दोस्तों, मोबाइल हीट होगा ही होगा क्योंकि छोटा मोबाइल है, इसमें जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो उतना अच्छा काम नहीं हो पाया, इसमें साइज छोटी होने की वजह से ये जो है काम नहीं कर पाया उतना। लेकिन सब कुछ बढ़िया है, मुझे बहुत ही पसंद है, इसमें आप गेम भी खेल पाएंगे और गेम में भी थोड़ा हीट होता है लेकिन चलता है अच्छा मोबाइल। ये देखिए जो स्टेबिलिटी है ना बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत ही पसंद है। देखिए आप कहाँ से भी कैसे भी घुमा के इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अभी आपको स्लो मोशन में एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला स्लो मोशन वीडियो होगा, और इस तरीके से स्लो मोशन जो है आप एक बार वो भी देख लीजिए। आप जब शुरू करेंगे स्लो मोशन, ये देखिए, ये देखिए इसमें म्यूजिक ऑटोमेटिक नहीं आता है, किसी किसी मोबाइल में ऑटोमेटिक म्यूजिक आता है, जैसे म्यूजिक नहीं मिलता है आप एडिट कर सकते हैं। स्लो मोशन बढ़िया है, जैसे हर मोबाइल पर होता है, उतना कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा मैं। दोस्तों सब मिला के मोबाइल ठीक ठाक है, मुझे एक प्रॉब्लम जो है वो हीट होता है और कुछ नहीं, साइज मुझे चलता है क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से मैंने ये मोबाइल लिया है। तो जो लोग जिनके हाथ थोड़ा बड़ा होगा उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा हाथ छोटा है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एक ही बात मैं बार बार बोलूँगा, मोबाइल थोड़ा हीट होता है, ठीक है। बाकी मोबाइल का जो दिखने का जो एक मतलब लुक है ना बहुत ही पसंद है मुझे, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं देखते ही मैंने फ़ोन ले लिया था, जो बिल्ड क्वालिटी है, जो डिस्प्ले है, जो ऐप सेटिंग है, बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों आपको क्या जानना है और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट कीजिए, हो सके तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो उसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो लाऊंगा। दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आपके साथ वापस मिलूंगा एक और नया वीडियो के साथ।